Three students, in last lecture means yesterday, we have discussed how to create a database, how to create a table, how to describe the structure of the table, how to add primary key in the table. Now today we will discuss how to insert row in the table. So let us start. कि हाउ टू इंसर्ट द रो इन द टेबल. अगेन आई विल शो यू द प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग इन माई एसक्यूएल. सब फर्स्ट ऑफ ऑल आई एंटर द प्लेट आई ओपन द प्लेटफॉर्म ऑफ माई एसक्यूएल. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू यूज द डाटाबेस विच आई क्रिएटेड इन लास्ट लेक्चर. तो द डाटाबेस वॉज 12th ASA Python. So first of all, I have to use this database because as I told you that in database, the table may be created. Database के अंदर ही table हम क्या कर सकते हैं? Create कर सकते हैं. तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? Database को use करना पड़ेगा. तो use 12th ASA Python. This is the database which I created yesterday. Suppose I want to show the table in this database. Suppose I forgot the name of the table which I have created in this database and I want to know the name of the table which I have created within this particular database. I will use the query show tables. तो मैंने जो इस डाटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट की थी वो टेबल स्टूडेंट थी. मैंने इस क्वेरी को क्यों यूज किया है मैं एक बार फिर बताना चाह रहा हूं. सपोज आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द टेबल विच आई हैव क्रिएटेड विद इन दिस डाटाबेस 12th ASA Python एंड आई वॉन्ट टू नो द नेम ऑफ द टेबल विद इन दिस पर्टिकुलर डाटाबेस. आई विल यूज द क्वेरी show tables. When I will write the name of the query show tables, this particular query display the name of the table which is created within this particular database 12th ASA Python. Now I have a table student. Before inserting the row within this table, first of all, I will describe the structure of this table. For describing the structure of this table, I will write the query describe student. Right? Now, this is the structure of the table. In this table, SR number, stud name, stud age, stud address, stud stream, and stud sex. These are the name of the columns. And I have also mentioned the data type of these columns. I have mentioned also the data type of these columns. Now I will insert the row within this table. Now for inserting the row, now I am just going to start from today lecture. I will write the query insert into table ka naam student values. Hum kya query likhenge? Values insert into table का नाम student values. अब जिस order में मैंने column create किए थे उसी order में मैं अपनी rows को insert करूंगा. पहला मेरा क्या था? SR number. तो I will write 7689. कुछ भी आप whatever you want to mention you can write stud SR number 7689. ये आपका integer में है इसलिए आपको इसको integer format में ही देना है. नाउ स्टूड नेम आप कोमा लगाएंगे. स्टूड नेम आपका इसका डाटा टाइप क्या है? वेर कैर. तो जो भी आपकी वेर कैर या कैर वाली वैल्यूज होंगी आप उनको सिंगल कोट्स के अंदर डिस्प्ले करेंगे. स्टूड नेम आप स्टूड नेम मान लीजिए आपका आ गया सत्यम पराशर. राइट सिंगल कोट्स. वेर कैर वाली वैल्यूज को आप सिंगल कोट्स के अंदर डिस्प्ले करेंगे. फिर कोमा स्टूड एज आपने डिस्प्ले कर दी 17. फिर कोमा स्टूड एड्रेस मान लीजिए रामनगर रुड़की R00RKEE रुड़की. फिर कोमा
स्टूड स्ट्रीम साइंस, नाउ स्टूड सेक्स आपका मेल, नाउ आपने ब्रैकेट को क्लोज किया, फिर आपने सिंगल कोट सेमी कोलन पुट किया, तो व्हेन यू प्रेस द एंटर आपके सामने रिजल्ट क्या आया, क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड, इसका मतलब है अब आपकी रो इंसर्ट हो चुकी है। तो अगेन स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, रो को इंसर्ट करने के लिए हम क्या क्वेरीज लिखेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, जिस ऑर्डर में मैंने कॉलम्स क्रिएट किए थे उसी ऑर्डर में आपको क्या करना है, वैल्यूज को आपको एंट्री करवाना है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो SR नंबर वाला कॉलम है वो आपका क्या है, प्राइमरी की है। प्राइमरी की का मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है, जीरो होगी। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी कि प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड को, इट मींस अगर आप इसमें दो या दो से ज्यादा रिकॉर्ड डाल रहे हो तो उन रिकॉर्ड्स का SR नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता, बिकॉज SR नंबर को मैंने क्या क्रिएट किया है, प्राइमरी की क्रिएट किया है। तो अगेन स्टूडेंट्स, आप फिर एक रो इंसर्ट करवाइए, अब इसमें आप चेंज कर दीजिए। सपोज मैं यही रो अगर दोबारा इंसर्ट कराता हूं, हो सकता है सत्यम प्रासन नाम का कोई और लड़का हो, कोई और बॉय हो, उसकी एज भी सेम हो, उसका एड्रेस भी सेम हो, उसकी स्ट्रीम भी सेम हो, राइट। तो अगर मैं दोबारा इस रिकॉर्ड को एंट्री कराऊंगा तो ये आपका एरर डिस्प्ले करेगा, क्योंकि आपने ऐसा सेम ले लिया है। तो आप यहां देख सकते हो एरर आई है डुप्लीकेट एंट्री 76894 की 1। तो डियर स्टूडेंट, अब आप दोबारा से अगर रो इंसर्ट कराते हैं तो आपको इसमें SR नंबर क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो लेट अस चेंज द SR का नंबर 7689 टू 9087 सत्यम प्रासर, नाम चेंज कर देते हैं हम, आलोक कुमार कर देते हैं, आपका इसका एड्रेस चेंज कर देते हैं, सिविल लाइन कर देते हैं, राइट, स्ट्रीम इसकी यही रहने देते हैं। आपकी रो इंसर्ट हो गई है, फिर दोबारा से एक रो इंसर्ट कराते हैं। इस तरह से मैं 6-7 रो फटाफट इंसर्ट करा रहा हूं जल्दी जल्दी, जिससे कि मैं आपको क्वेरी को आगे कंटिन्यू कर सकूं, राइट। मैंने यहां पर लोकेश, इसकी मैंने स्ट्रीम चेंज कर दिया कॉमर्स, राइट, कॉमर्स COMM कॉमर्स आ गई आपकी, राइट। फिर मैंने एक रो नई इंसर्ट करी है, अब यहां पर मैंने एक गर्ल चाइल्ड स्टूडेंट का नाम डाल दिया, जैसे सोनिया वर्मा, इसका एड्रेस रेलवे रोड रुड़की, रेलवे रुड़की, इसकी स्ट्रीम मैंने ये कर दी है, सेक्स मैंने चेंज कर दिया यहां पर F। फिर मैं एक रो इंसर्ट कर रहा हूं दोबारा से, आप इसको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करते रहेंगे। फिर मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं, यहां पर मैंने मान लीजिए मनीषा डाल दिया, एक गर्ल चाइल्ड स्टूडेंट रोल ले ली मैंने, एज इसकी मैंने 16 ले ली, एड्रेस मैंने इसका जो है चेंज कर दिया, मैंने लिख दिया साकेत कॉलोनी, मैंने इसकी स्ट्रीम मान लीजिए कॉमर्स से क्या कर दी है, आर्ट कर दी है, फीमेल। नाउ फिर मैंने एक रो इंसर्ट करी है, मैंने फिर नाम यहां पर चेंज कर दिया कमलेश, एज ये रही इसकी, इसकी मैंने आर्ट सब्जेक्ट इसका आर्ट ही है, डुप्लीकेट एंट्री, इट मींस मुझे यहां पर ये चेंज करना पड़ेगा। फिर मैंने दोबारा से एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करा, मैंने नाम चेंज करा विनीत गुप्ता, एज 17, एड्रेस गणेशपुर रुड़की, यहां पर मैंने ये चेंज कर दिया साइंस मेल, राइट। तो डियर स्टूडेंट, यू कैन सी ओवर हियर दैट आई हैव इंसर्ट मोर देन वन रोज, आई थिंक 7 to 8 रोज। नाउ आई वांट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स, आई वांट टू डिस्प्ले द डाटा व्हिच आई हैव एंटर्ड इन द टेबल। नाउ फॉर डिस्प्ले द डाटा ऑफ द टेबल,
फॉर डिस्प्ले द डाटा ऑफ द टेबल आई विल राइट द क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम आपका स्टूडेंट. तो व्हेन यू विल राइट दिस क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट योर होल डाटा विल बी डिस्प्लेड इन द टेबल फॉर्मेट. एज यू कैन सी ओवर हियर दैट दिस इज ए टेबल इन विच एस आर नंबर स्टूड नेम स्टूड एज स्टूड एड्रेस स्टूड स्ट्रीम स्टूड सेक्स दिस इज द नेम ऑफ द कॉलम एंड दीज आर द रोज. ये आप देख रहे हैं पहली रो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं. इट मींस मैंने 7 रोज इस टेबल के अंदर एंटर किए हैं. तो रो इंसर्ट कराने के लिए हमने क्या क्वेरी लिखी है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज और आप उसके अंदर डाटा एंट्री करते रहेंगे. और जब आप रो इंसर्ट कर लेंगे, एक से ज्यादा जब आप रो इंसर्ट कर लेंगे, तो पूरी की पूरी टेबल के रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए डियर स्टूडेंट आप क्या क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट. सेलेक्ट करना है मुझे सारा का सारा डाटा. स्टार का मतलब है ओल्ड डाटा. यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एस्ट्रिक का यूज किया है. एस्ट्रिक मीन्स ओल्ड डाटा. फ्रॉम स्टूडेंट, फ्रॉम का मतलब मुझे किससे लेना है, तो फ्रॉम से स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से लेना है. तो आप यहाँ पर इस तरह से ना लिखिएगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल स्टूडेंट, आप लिखिएगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. तो व्हेन यू विल राइट दिस क्वेरी ए Table format will be displayed with all corresponding record which you have entered in the table by using the queries above. Okay? तो आज हम यहीं पर स्टॉप करते हैं डियर स्टूडेंट. तो आज मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं, आज मैंने आपको बताया कि टेबल के अंदर डाटा किस तरह से इंसर्ट करते हैं और टेबल के अंदर जो हमने डाटा इंसर्ट किया है उस पूरे के पूरे डाटा को, उस पूरे रिकॉर्ड को हम किस क्वेरी का यूज करके हम उसको डिस्प्ले करते हैं. आज मैंने आपको दो टाइप की क्वेरीज मैंने आपको बताई है. आप इनको अपनी कॉपीज में अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिएगा. हैव ए नाइस डे. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.